तो आज मैं फिर से अप्रैल में आ गई हूँ क्योंकि मैं केक बेक कर रही हूँ। तो मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि क्या चीज़ आपको केक बेक क्यों कर रही है, क्योंकि आज माती का बर्थडे है और मीती बर्थडे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और मैं केक बना रही हूँ तो मीती बर्तन धो रहा है। माती का बर्थडे है तो केक माती की डिमांड का बन रहा है और माती को खाना था पाइन एप्पल केक, क्योंकि हम बाहर से ला नहीं सकते हैं। हम लोग प्रेफर ला नहीं सकते कर रहे हैं पर हम लोग ला नहीं रहे जी, होममेड क्योंकि बेटर होता है और रोशु मेक्स डिलीशियस केक्स। हाँ, और मुझे मज़ा भी आ रहा है केक बनाने में। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से प्रोडक्ट्स आपको पाइन एप्पल केक के लिए नहीं चाहिए और चाहिए। लेट मी शो यू। सो मेरे पास में ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है गोल्डन क्राउन का और एक है डेल मोंटे का। और ये जो प्रोडक्ट है इसकी वजह से हम लोग को, अभी लॉकडाउन हमारे यहाँ चल रहा है तो 7 बजे के बाद में सब शॉप्स बंद हो जाती हैं, पर हम लोग अभी बाहर मार्केट गए थे क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये ऐसा निकला, दिस एक्चुअली साउंड, मतलब इसकी जो स्मेल है इट स्मेल्स फनी और अजीब सा है। ये मतलब बहुत ही बकवास टेस्ट है। इट्स नॉट एट ऑल पाइनएप्पल स्लाइसेस, दे आर जस्ट आर्टिफिशियल पाइनएप्पल, आई कैन से। तो आप देख सकते हो इसका कलर बहुत गंदा है, ये कलर में भी फ्रेश दिख रहा है। प्लस ये बहुत अजीब है, मतलब बहुत ही बकवास है। और इसके चक्कर में आज हम लोगों को, मुझे लगा था कि ये ठीक है, मैंने इसको मंगवा लिया कि ठीक है ये मिल रहा है ये ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग केन प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं। बट मार्टी को पाइनएप्पल केक खाना था और पाइनएप्पल काटना इज़ रियली डिफ़िकल्ट और मुझे आता भी नहीं है, तो हमने ये प्रेफर किया। बट नो फॉर दिस, येस फॉर दिस, बिकॉज ये टेस्ट किया हम लोगों ने, इट टेस्ट 80% and 85% pineapple and the slices are also soft and flavorful actually. So आप ये लो, इसको कभी भी मत लेना। ये सस्ता है सेम प्राइस है ऑलमोस्ट, साइज ज़्यादा है तो सस्ता है। सो केक मैंने काट लिया है, मैं आपको फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है पूरा पफ वाले की, तो आप वहाँ देख सकते हो मैंने स्लाइस काट लिया है। और अगर हम लोग को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो हमारे अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे और हमारे कॉमन इंस्टाग्राम हैंडल पे। यस प्लीज, और मीटिंग लिंक डाली देगा हम लोगों के इंस्टाग्राम पे। यार तुम लोग फॉलो क्यों नहीं करते? फॉलो अस पूर्वी मनमित्री की टीवी एंड बैटमैन एंड पूर्वी बैटमैन मीट So, ये बहुत सॉफ्ट हुआ है। मेरे पास में एक छोटी सी क्लिप है, अगर मीठी डाल देगा तो आप देख सकोगे। तो अभी मैं इसके ऊपर इसकी लेयर करूँगी, देन मैं इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करूँगी, फिर पाइनएप्पल स्लाइसेस डालूंगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एक्चुअली इतने सारे ब्लंडर्स हुए हैं, अवॉइड माय हेयर में बार अजीब दिख रहे हैं, बट इतने सारे आज ब्लंडर्स हुए हैं। रोशु ने इतने देर लगा के क्रीम विस्क की थी। yes. और मैंने सोचा कि इतना ये विस्क विस्क करने में इतना मेहनत क्यों करना, तो फूड प्रोसेसर में आप विस्क कर लो। बट दिखाते हैं कि आप कर सकते हो। डोंट डू इट, इट बिकम्स क्रीमी लिक्विडी, एक्चुअली नॉट क्रीमी। अभी मैं उसको फ्रिज में रखा हुआ है, और मीती की गलती थी, मैंने बोला था बीटर से करने का, मैंने उसको फ्रीजर में रख के ऑलमोस्ट सेम कंसिस्टेंसी पे ला दिया जिसमें रोशु को ऑलरेडी 2 घंटे लगे थे। अब I have done it in 1 hour. So, हम लोग आपको final product दिखाते हैं बनने के बाद। तो मीती अपनी गलती सुधार रहे हैं। अभी भी ये सफी नहीं हुई है, इतनी मैंने करके मीती को। इतनी थी उसने। I am waiting. अभी तो सिर्फ 10 बज रही है। 2 घंटे और हैं। बुजुर्ग औरत। ये रहा केक, जैसे कि मैंने बताया था। ये केक इनविजिबल क्यों है? जैसे कि मैंने बताया था कि मीती, ये केक अजीब है, एकदम चम्मच पे आ गया। फाइनली केक आ रहा है। ज्यादा अच्छा नहीं बना? वाओ कितना अच्छा तो है। Happy birthday to you. Mama. Thank you. काटो। उनको नहीं दिख रहा। हमारे पास कैंडल नहीं है। Happy birthday to Mani. To me. Happy birthday to Mani.
हैप्पी बर्थडे टू यू। आप फोन में से खा लो। तो विशेष हो गई हैं, अब हम लोग खाएंगे केक जो कि बना है टेस्टी। ये मोटी पहले ही खा चुकी है, जिसका बर्थडे है उसने बेचारे ने केक एक तरह से स्लाइस खाई है और ये पूरा स्लाइसा खा चुकी है। एंड सी थैंक यू द केक, वेरी स्पंजी केक, टेस्टी वाला केक, 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 यम्मी। दिस इज़ ब्लैक फॉरेस्ट केक, बट मुझे चेरी नहीं मिली तो मैं चॉकलेट डाल के बनाऊंगी, तो बैटर बन गया। ये केक मेरे पापा के लिए है क्योंकि मेरे पापा का बर्थडे भी मार्ची के 3-4 दिन बाद आता है, सो ये उनके लिए सरप्राइज होगा। उसको मैं डालूंगी माइक्रोवेव में और ये केक कैसा बन रहा है इसको भी बताऊंगी मैं। सो प्रीहीटिंग द ओवन एंड इट्स रेडी। इसके अंदर डालेंगे हम केक। अब मैं डालूंगी इसमें केक, थोड़ा सा इवन करके इवन रहे, और इसको मैं 30 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। 30 मिनट्स कर दूंगी मैं इसको 190 पे, 190 डिग्री 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के लिए ये बेक होगा 190 डिग्री को, एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करूंगी। मेरा केक रेडी है, लेट मी सी। मैंने एक बार खोल के देख लिया था इसको कि हुआ कि नहीं। उस टाइम पर ये हल्का सा था, मुझे लग रहा था इस ओवर कुक ना हो जाए, बट क्लीन आई है, मेरी नाइफ क्लीन है, मतलब ये हो गया है। अब मैं इसको निकाल के ठंडा होने रखती हूँ। जस्ट अनमोल्ड माय केक जैसे कि माटी के वाला बना था, ये वैसा ही बना है, इससे थोड़ा सा और अच्छा बना है एक्चुअली है ये वाला। ये है, मैंने कट कर लिया इसको, इसमें अच्छी जाली आई है, बीच में से थोड़ा सा मुझसे पतला हो गया है, यहाँ से ज़्यादा कट गया, बट कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा इवन कर लूँगी। सो क्विक अपडेट, मैंने इसको यहाँ से काट लिया है, इसको मैं इस पर लगा दूँगी। सेकेंड, मैंने चॉकलेट्स लिए दो, इसमें मैंने आधी आधी लिए दोनों, ये डार्क चॉकलेट या नॉर्मल चॉकलेट है, दोनों आधी दो, और मैंने उनको ऐसे ही कर दिया है। ये देखो, मैं एक्चुअली बना ब्लैक फॉरेस्ट केक रही थी, बट मुझे चेरी नहीं मिली इसलिए मैं उसको स्किप करके मैं चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ, चॉकलेट वॉलनट केक। सो ये मैंने चॉकलेट करके रखी हैं, ये मेरी व्हिप्ड क्रीम है, थोड़ी सी मेल्ट हो रही है ये हल्की सी, तो ये गड़बड़ हो गई है, बट अब मुझे जाना है क्योंकि लेट बहुत हो गया। थोड़ी सी मेरे पास में अमूल आइसक्रीम थी, रोस्टेड नट्स वाली, आलमंड वाली, तो मैं थोड़ी सी लेयर्स से डालूंगी इसके ऊपर। प्लस मेरे पास में है शुगर सिरप, तो मैं इसके ऊपर शुगर सिरप भी डालूंगी। अब मैं इसको पूरा बनाने के बाद आपको बताती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। सो माय केक इज रेडी एंड इट लुक्स लाइक दिस, और इसको थोड़ी सी देर हम लोग फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, ये जब मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है जुलाई में भी। आई एम एक्साइटेड टू ईट इट, और मेरे पास चेरी नहीं थी इसलिए चॉकलेट केक बन गया। Happy birthday to you, happy birthday dear papa, happy birthday to you.